वर्क प्लेस पे चले गए, फिर अभी क्लियर वाटर जा रहे हैं और मैं सिर्फ जीप ही जीप दिखते ला रहे स्लिपर्स में, इन्हें जीप दिख रहा है और मुझे दिख रहा है कि मैंने चेंज भी नहीं किया, फेस वॉश भी नहीं किया और निकल गए। आज मौसम अच्छा है ओवरऑल, है ना? हाँ, मेरे ऑफिस की भी तरफ जा सकते हैं ना? नहीं, वो है क्या? मुझे कुछ नहीं पता। तो आज मैं आपको अपने ऑफिस की तरफ लेके चलती हूँ। एक बार आप एड्रेस में डालोगे? आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये एरिया। मेरे घर से अराउंड ओनली 1.5 माइल राइट प्रवीण? ये कितना तो आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत है। और आज मौसम ने तो हमें खुश कर दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये तो थोड़ी दिन में थोड़ी गर्मी थी बट अभी जाके वेदर बेटर हो गया है। और बताओ आप प्रवीण, सिटी के बारे में ड्राइव करना रहो, कितना कितना स्पेस है यहाँ पे? हाँ ये तो है, यहाँ पे इंडिया में नहीं तो हम पागल हो जाते हैं गाड़ी चला चला के, मतलब इतने ट्रैफिक में खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं। तो कितना अच्छा है यहाँ पानी का यूज किया हुआ अल्टीमेटली, और स्ट्रेस बस्टर की तरह काम कर रहा है। ये गानों से कॉपीराइट ना आ जाए। लगा दो वो एड्रेस, तो मैं आज सबको अपना वर्क प्लेस दिखाती हूँ। आई विल नॉट शेयर कि मैं कहाँ काम करती हूँ बट मेरा वर्क प्लेस देखना आप कितने ब्यूटीफुल प्लेस पे है। पूरी आसपास ग्रीनरी है, काश मैं बैच लाई होती तो मैं अंदर भी जाके दिखा सकती थी। तो ठीक है कोई बात नहीं, आज हम सुबह से हम लोग काफी थके हुए थे क्योंकि आज हमने थोड़ी ग्रोसरी मार्केट गए थे। तुम्हें याद है हम कल भी यहाँ पे आए थे बट बारिश की वजह से वापस जा रहे थे हम। हाँ राइट, हम मिडवे ऑफ द रोड थे ना और काफी बारिश आ रही थी कल इस टाइम पे। बंदे यहाँ पे गाड़ी एकदम चलाए। आपने एड्रेस लगाया क्या? हाँ नहीं लगा हुआ। क्यों मतलब लगा हुआ? अब एड्रेस तो मैं दिखाती हूँ, आज सब लोग गेस करने के मैं कहाँ काम करती हूँ। ये सारे यहाँ पे आसपास मार्केट्स हैं। ओह माय गॉश, मेरी फ्रेंड का जो मैसेज आया था ना छतिशा का, जब हम मतलब प्लान बना रहे थे तो मैं अच्छा मैं नहीं जा रही हूँ, शी इज सेइंग कि सीके श्रुति बी प्रिपेयर्ड, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर है ऑस्टिन में। तो मैंने कल ही तो ये बात बोली आपकी फ्रेंड को कि ऑस्टिन का टेम्परेचर अच्छा नहीं है, कुछ है नहीं तुम्हारा नीचे ना। ये जीप का बहुत अच्छा कल्चर है यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं नहीं ऐसे जूम आउट ही रहना, जूम आउट से पूरा आपका कैप्चर अच्छा होगा। तो बेस्ट पार्ट ये लगता है यहाँ पे दिव्या की ट्रैफिक नहीं है, कैमरा इधर है और ये बेकेयर इधर है। अच्छा बेकेयर वो मेडिकल हॉस्पिटल? हाँ ये हॉस्पिटल काफी बड़ा है और यहाँ पे थोड़े रेसिडेंशियल कम्युनिटी भी है। वो एक चीज लोग जरूर देखते होंगे, नोटिस करेंगे कि इतने यहाँ पे फ्लैग्स लगे रहते हैं हर लोकेशन पे। हाँ ये तो है, कितना इन्होंने जैसे वो सॉफ्ट पावर डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं वो अमेरिका की बहुत स्ट्रांग है। सॉफ्ट पावर मतलब पूरे ही मतलब आप अपने पूरे नेशन में एक यूनिटी क्रिएट करते हो और एक प्यार क्रिएट करते हो अपने देश के लिए, तो जो कि यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा है। दे फील एम्पावर्ड। हाँ तो उससे क्या है कि अल्टीमेटली दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंट्री। तो हर लोकेशन पे आप दिख रहा होगा फ्लैग्स, हर कोई इतना ज्यादा क्या कहते हैं
पेट्रियोट क्या कहते हैं उसको, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिक बाय माइंड है। बट यहाँ पे बहुत काफी मतलब प्यारा सा बाजार है, हिलेरियस रहते हैं नेम यहाँ के, जो स्टोर्स रहते हैं ना मतलब अनएक्सपेक्टेड नेम वो रखते हैं, जैसे किसी ऑल्टरेशन के लिए जा रहे हो सीधे उनका शॉप का नाम ही रहेगा टेलर, मतलब हमने जैसे देखा महेश टेलर, मतलब अलग अलग से नाम टेलर्स वालों के, बट यहाँ सीधे टेलर और कुछ भी नहीं। कितनी बड़ी डेंटिस्ट्री लगी। ये आई थिंक थोड़े दूसरे राउट से लेके जा रहा है यहाँ पे अब, क्योंकि ऐसे आई डोंट नो मतलब ऐसे रेसिडेंशियल तो मैंने नहीं, अवॉइड हाईवे किया हुआ है ना। ओके ओके, मैं भी सोच रही हूँ कि ऑफिस जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, ऐसे घर के से दिख रहे हैं। बीच बीच में यहाँ पे कम्युनिटी भी है ना, तो ये कम्युनिटी महंगी है क्या? बहुत महंगी, बहुत महंगी, मतलब ये सिटी की क्यों, क्योंकि कितना आप देख सकते हो, नहीं नहीं काफी ग्रीनरी है ना, ये देख सकते हो आप, अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान दे, एक जैसे घर है सारे। जो प्रवीण आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे अबाउट द फ्लैग, आपने नोटिस किया होगा कि हर जगह अपने घरों के सामने लोग फ्लैग बता लगाते हैं, ये चीज़ तो मैंने यहीं आगे देखी थी कि अलग ही दे फील एम्पावर्ड आई थिंक बाय होस्टिंग देयर कंट्री फ्लैग। काफी रिमोट लोकेशन है भाई। नहीं नहीं बिल्कुल भी रिमोट लोकेशन नहीं है, ये सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है, बट आप अंदर अंदर आ रहे हो ना हाईवे, बिकॉज हमने अवॉर्ड हैवी किया, तो ये सारे कम्युनिटी है यहाँ की रेसिडेंशियल। तो हम लोग जो है ये होता है वर्क फ्रॉम होम करने का, कि मैंने भरोसा किया प्रवीण पे कि ऑफिस ले चलेंगे ये, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ थोड़ा अपना वर्क प्लेस। तब से इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब बेटर एड्रेस डाल दिया गूगल मैप में, तो थोड़ी देखो टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं ना, बून है कभी कभी और बेन भी है, मतलब कर्ज भी है, तो वो बात तो सही है, क्योंकि अभी ये लेकर आ गए हमें पता नहीं दूसरे जंगल में, और जब मैं आ भी रही थी ना तो मुझे लगा ये राउट तो हमने देखा नहीं है, तो ही वाज आस्किंग ये तो रेजिडेंशियल लग रहा है, मैंने बोला क्या पता अवॉइड हाईवे किया गूगल मैप में तो नहीं दिख रहा हो, तो अभी पता चला कि बात कुछ और ही है, मतलब मेरे ऑफिस के हम लोग उसके बाद जाएंगे वहां से। हाँ तो मेरे जो वर्क प्लेस का एक पार्ट है डेटा कलेक्शन, तो जहाँ वो टीम बैठती है उस ऑफिस में ये चले आए, पर ठीक है कोई बात नहीं मुझे भी नहीं पता था so this is not my fault right, because ये कुछ ask you right, like you have two offices, is it only one office? अरे तो हेडक्वार्टर एक ही है, तो मतलब यहाँ एटलीस्ट फ्लोरिडा में, you should agree on this, even you don't know there are two offices. ये बात तो सही है, मानना पड़ेगा बात गलती है मेरी, because they ask you, they're like, is there only one office? और ही सेइंग कि मतलब रिमोट मैंने बोला ऐसे तो मैं एटलीस्ट मैं एक महीने तो ऑफिस गई हुई हूँ, तो अंटिल आई ज्वाइन दिस फर्म ना कोविड आ गया सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि वन मंथ मैं ऑफिस सिर्फ गई हूँ, उसके बाद कोविड हिट कर दिया, तो मैं उसके बाद ऑफिस एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई कभी ज्यादा, तब से मैं रिमोट ही काम कर रहा हूँ। पता नहीं कैमरे में उतना आता है कि नहीं, बट बहुत ग्रीन लग रहा है यार, और मौसम बहुत अच्छा है, वेदर जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये तो है, मम्मी पापा को अच्छा लगेगा क्योंकि उनको ऐसी जगह पसंद है, शांत सी, लोग अपनी इवनिंग वॉक पे निकल चुके हैं, क्या करें दिन भर इतनी गर्मी रहती है तो शाम को ही निकलते हो, अभी आई थिंक 7:40 हो गया सोचो, और 7:40 है लेकिन अभी तक रात नहीं।
दिल्ली और इवन मैं बैंगलोर भी गया हूँ, कितना ट्रैफिक रहता हूँ इस टाइम पे. दिस इज लाइक अ प्राइम टाइम, 5 to 7 आप निकल ही नहीं सकते बाहर. अरे हम तो वहीं आ गए अपने घर वाले एरिया में. एग्जैक्टली, तो वहाँ से वर्क प्लेस जो है ना मेरा सिर्फ हार्डली 2 miles है, और इन्होंने आई थिंक 40 minutes लगा दिया उस 2 miles को कवर करने के लिए. हम क्लियर वाटर जा रहे थे पहले, लेकिन अब तुम्हारा वो दिखाना है लोकेशन, फिर वहाँ से निकलेंगे. 2 मिनट है यहाँ से, बहुत पास है तुम्हें घर के. अपने घर से बहुत पास है मेरा ऑफिस. देखो क्या व्यू आता है, यहाँ तो आप गाड़ी सीख सकते हो. मुझे ए सी ज्यादा लगा, सबको लगेगा कि मेरा वर्क प्लेस कहीं जंगल में तो नहीं है. बट ये बात है, जंगल नहीं है, आई थिंक इनका कॉर्पोरेट ऑफिस को एकदम निर्वाणा स्टेट चाहिए. पूरा ग्रीन, काफी ग्रीनरी में बिलीव करते हैं. नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, आई डोंट. अरे यहीं तो आए थे अभी अंदर हम. Do you remember अभी मैंने गाड़ी घुमाई थी इसमें? नहीं. अरे इसके सामने तो घुमाई थी. नहीं अच्छा, हाँ राइट, इसके सामने तो गया था अभी, ऑपोजिट में थे हम लोग. मैंने बोला था कि सामने तो है तुम्हारा, तो मैं भी तो वही बोल रही थी कि यही है मेरा. मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कहा अच्छा चलो आगे. नहीं ब्रोकर क्रीक है, यही तो है मेरा राउट. तो देखो आप यहाँ से शुरू हो जाता है, ये हमारी सारी पार्किंग है, और इसके पीछे भी साइड पार्किंग है जो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ. You want me to park or you just want me to drive through? यही park कर दूँ साइड में. ये आ गया? हाँ वो तो मैं नहीं दिखा रही ना. हाँ यहाँ रोक दो, मैं दिखाती हूँ. अंदर कर दो, अंदर कर दो, अंदर कर सब. ये मेरा वर्क प्लेस आ जाता है, यहाँ सारी पार्किंग है. तो इतना बड़ा ऑफिस एकदम खाली पड़ा है ना. हाँ और अभी वो मैं अंदर दिखाती हूँ. यहाँ पार्क कर सकते हो क्या इधर उधर? 2 मिनट तो रोक ही सकते हैं, कौन आ रहा है. हाँ, आज अपने वर्क प्लेस आ गई, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मतलब बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है ये. थोड़ा मैं मेन ऑफिस में लेकर आई जहाँ मैं बैठती हूँ, अदरवाइज जहाँ हमने एंट्री की थी वहाँ आपने नोटिस नहीं किया होगा, वहीं पे है. वो पीछे का एरिया सारा पार्किंग है, और इस वाले बिल्डिंग में मैं बैठती हूँ अभी तो फिलहाल. नहीं बैठ रही हूँ. ओके पूरा ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो आपको मेरा वर्क आपको मेरा वर्क प्लेस पता चल जाएगा कि मैं कहाँ काम करती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही. और ये ऐसे ही बाहर हम लोग बैठ, आई थिंक 2.5 years नहीं, 1 year, 1 साल बाद आ रही हूँ मैं शायद. ये सारी बिल्डिंग्स हैं, इस वाले बिल्डिंग से भी एक एंट्री हो जाती है. मैं बैठती हूँ उधर उधर. Thank you.
लाइवलीहुड जीसस क्राइस्ट। तो अभी हम लोग वर्क प्लेस पे गए, मैं आप लोग को थोड़ा एक अच्छा लोकेशन दिखाने आई थी जहाँ मैं लंच करती थी, वो मेरा फेवरेट प्लेस था। बट मतलब जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी थी उन्होंने थोड़ा हमें डरा दिया, नहीं नहीं अभी मत जाओ, एलिगेटर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं यहीं पे वर्क करती हूँ, मैं आती हूँ ऑफिस, यहीं पे लंच करती हूँ। तो कह रहे हैं हाँ मतलब डे टाइम में ओके रहता है, लेकिन अभी नहीं। तो अभी हम लोग वही निकल जा रहे हैं। हमने बोला सही बात है, रात को क्यों रिस्क लेना, ये सारी मतलब यहाँ से एरिया जो भी भाई यहाँ से जो एरिया शुरू होता है पूरे मेरे वर्क प्लेस का एकदम एंड तक, तो काफ़ी बड़ा ऑफिस है। और मैंने सिर्फ आपको डाउन टाउन चलना है, फिर ऑर्डर चलना है। वन आंसर डाउन टाउन तो नहीं, सेंट पीट, सेंट पीट चल सकते हैं, थोड़ा ड्राइव अच्छी है। डाउन टाउन में क्या जाके करेंगे ना, बट ये टाइम से घर पहुंच जाएंगे ना, मेरे 11:30 कॉल है। ये मुझे मिनी स्कॉटलैंड लगता है मेरा, जहाँ हम लोग रहते हैं अभी, मिनी स्कॉटलैंड, बिकॉज स्कॉटलैंड में पूरा ऐसे ही है। तो सेंट पीटर्स की ड्राइव ज्यादा अच्छी है क्लियर वाटर की? अच्छी ड्राइव वैसे क्लियर वाटर की ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि दोनों साइड ऐसे पूरे मतलब वो वाटर रहता है। सेंट पीटर्स की मुझे ड्राइव में रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, काफी टाइम हो गया। तो ये सारे घर है यहाँ पे रेजिडेंशियल, बड़े बड़े पूल और एकदम बिल्कुल फाउंटेन के पास फुल ऑफ ग्रीनरी। पहले मुझे ऐसे मूवीज में देखती थी तो लगता था सच में इतना मतलब क्लीन होता है क्या, बट हाँ यहाँ आगे ऐसे लगा नहीं सच में क्लीन होता है। गाड़ी के ऊपर चढ़ जाए मुझे सबसे अच्छी यहाँ की यही लगती है ट्रक, अपना लो अपना सामान कैरी करो और बिल्कुल निकल जाओ, बड़ी बड़ी ट्रक एकदम हैवी हैवी। चलो बढ़िया, एटलीस्ट तो क्या डिसाइड किया हमने, क्लियर वाटर या सेंट पीटर? सेंट पीटर की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ रहे हैं हम लोग, वहाँ पहुँचेंगे तब तक 8:52 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक रात हो जाएगी तो सही है। 7:00 निकले तो ऑलमोस्ट ऐसा भी नहीं है 60 की स्पीड पे चल रही गाड़ी, बताओ 60 माइल्स एक्चुअली एक आइलैंड की तरह है ये सेंट पीटर।
अच्छे की लाइट चल रहे हैं तो उतना सेफ लग रहा है, अदरवाइज अभी तो चलो सही है, नहीं तो शुरू में तो बहुत ज्यादा लग रहा था। मैं आ गया, लैंड आ गया। मैं बिल्कुल स्लिपर्स में आ गई हूँ और बिल्कुल पालथी मार के अपने सीट पे बैठ गई हूँ। और मुझे क्या पता था कि प्लान बन जाएगा अचानक से सेंट पीट का, बट ठीक है कोई नहीं, एडवेंचरस यही होता है, स्लीपर पहन के निकल जाओ। तो अभी कितना दूर है? 20 मिनट। अच्छा 20 मिनट्स। अभी सेंट पीट का मार्केट नहीं आया ना, मैं सोच रही थी दिखाने का।